13 जनवरी 2021 को बांद्रा के धमाका लाउंज में सच में धमाका हुआ। धमाका लाउंज के साथ द इल्यूजनल कैलेंडर 2021 का अनवीलिंग हुआ, जिसे रूना फराद दास ने प्रोड्यूस किया है और इसके फोटोग्राफर थे अमित खन्ना। सो मैम, व्हाट इज इल्यूजनल 2021? So Illusioner 2021 is basically we're depicting different emotions of men, where, you know, as we rightly said that we have been saying that men cannot cry, they cannot be scared. So here is where we're depicting different emotions where people just come out and say that, oh, acha ye rota bhi hai. So here there are 13 different emotions where you'll be seeing all the celebs portraying different 13 different emotions. Were there any challenges while shooting this calendar of the calendar shoot? Actually, while shooting Illusioner 2021, we faced a lot of challenges because we were shooting at difficult times. There were night curfews and lockdowns put, and obviously we all were going through a pandemic. And honestly, all the shots had something difficult. Like, we had a pet in one shot. We had a small baby who's 7 months old in one shot. We, you know, had Sushant. Yeah, we had paint, colors, we had cement, everything going on. So, the concept was that I, as a male or as a ड्रैग क्वीन, जो ड्रैग एक परफॉर्मेंस आर्ट है जो इंडिया में अभी तक मेन स्ट्रीम में आया नहीं है। आपको कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े शूट के दौरान? शूट के दौरान एक ऐसा शॉट था जहाँ पर आई वॉज नॉट वेयरिंग एनीथिंग एंड जस्ट होल्डिंग अ गाउन, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग था। सो वी हैड टू आस्क जो सारे यूनिट पे थे, जो भी थे प्रोडक्शन में से या फिर मेकअप, वी हैड टू आस्क देम टू लीव द स्टूडियो। हमने उनको उनसे दरख्वास्त की कि वो थोड़े देर के लिए बाहर चले जाएं, ताकि मुझे वो, बिकॉज़ आई एम नॉट यूज्ड टू यू नो डूइंग न्यूड शूट, सो आई डिड दैट, बट अदर देन दैट वाज फन। बट ऐसे कोई तकलीफ नहीं हुई क्योंकि सभी बहुत ही सपोर्टिव थे, एंड आई थिंक टाइम्स आर चेंजिंग। अभी कौन गे है, कौन स्ट्रेट है, ऐसे सब चीज़ें से क्या फ़र्क पड़ता है? कलाकार कलाकार होता है, कला कला होती है। Illusioner 2021 में आपने कौन सा इमोशन पोर्ट्रे किया है? See, I have portrayed emotion of strong men. I think men are sensitive too. So I have portrayed that emotion because my look is going very manly and men can be sensitive too. So I portrayed that look. इस कैलेंडर के कॉन्सेप्ट के बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, सारे मैन हैं, ऑल द मैन आर स्ट्रॉन्ग, ऑल द मैन आर इंडिपेंडेंट, दे आर वर्किंग, दे आर हार्ड वर्किंग, दे आर समवेयर एट देयर करियर, एंड आई थिंक टू बी शॉट बाय अमित खन्ना, इट्स अ लवली वे। Illusioner 2021 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट फील्ड के आदमियों को उन्होंने इस बार यूज़ किया है, सो आई विश हर ऑल द बेस्ट। हमेशा एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट बनाती हैं ये, एंड मैं आशा करता हूँ उनका कैलेंडर बहुत अच्छा रहेगा, और हर बार एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आती हैं रूना। आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट, आई विश हर ऑल द बेस्ट। Illusioner 2021 में आप कौन सा इमोशन पोर्ट्रे कर रहे हैं? जो इमोशन मुझे दिया गया था वो इज कॉल्ड क्रिएटिविटी, किस तरीके से हम कला को पेश करते हैं और किस तरीके से उस कला में हम अपने वजूद को, हमारी आइडेंटिटी को भी मेंटेन कर सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट दैट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस यूनिक कॉन्सेप्ट व्हिच रूना मैम हैज कम अप विद? आई थिंक इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट बिकॉज़ हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि औरतें कैलेंडर पे होती हैं, ऑफ कोर्स विद गुड रीजन, एंड आई थिंक इवन आई एंजॉय दैट फैक्ट दैट देयर आर वुमेन ऑन द कैलेंडर एंड जनरली वेल शॉट, ग्रेट लोकेशंस, बट इट्स नाइस टू काइंड ऑफ ब्रेक द क्लटर एंड डू समथिंग डिफरेंट। तो जब एक कॉन्सेप्ट आया कि इट्स गोइंग टू बी 10 मेन और 12 मेन हु आर गोइंग टू बी रिप्रेजेंटिंग एंड आई वाज द 13th गाय हु वाज डूइंग द कवर, आई वाज वेरी हैप्पी टू डू इट बिकॉज these are all different kinds of men showing their own side to who they are and their passion for their craft and art. To bahut acha laga and I'm very happy that I'm the cover, so that's great. Is event mein hame kai celebrities dekhne mile jaise Terence Lewis, Rohit Verma, Sushant Divikar, jinhone is event mein char chaand lagaye. This is Zui Jadhav, video journalist Rohit Londkar, Prime Time Network, Bandra.